हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। तो आज हम क्वांट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है हमारी इनक्वालिटी रीजनिंग की। अगर उसके आपने वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड पर भी मिल जाएगा। तो जैसे इनक्वालिटी में हम इन पांच साइन को यूज करते थे, इन्हीं साइंस का यूज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में वो इस तरीके के आते हैं। ये ऑप्शन होते हैं x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन इक्वल टू y, या फिर नो रिलेशन, या फिर x इक्वल टू y। इस तरीके के हमारे पांच ऑप्शन दिए होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इनमें कुछ फिक्स टाइप्स होती हैं। जैसे अगर इन क्वेश्चंस की हम बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इसका आंसर बताएं तो हम डायरेक्ट बता देंगे इसका नो रिलेशन, देखते ही बिना सॉल्व करें इसका आंसर हम बता देंगे x लेस देन y। इसका अगर देखें तो इसमें भी नो रिलेशन हो जाएगा। इसमें इसमें होगा x ग्रेटर देन y और इसमें होगा x लेस देन y। अब ये मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसका बेसिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हमें इस फॉर्म में देखने को मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें x जो है वेरिएबल है और a, b, c ये है कांस्टेंट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें जनरल फॉर्म होती है इसकी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हमें सम ऑफ जीरो इस इक्वेशन के पता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ये इसकी होती है जनरल फॉर्म। और अगर हम इसके बारे में बेसिक के बारे में बात करें तो आपने टेंथ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जीरोस के फॉर्मूले गिवन है। उन फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका यूज नहीं है, हम अलग ट्रिक से उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूं। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो वो होगा माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है यहां पे अगर देखें तो b है कोफिशियंट ऑफ x। कोफिशियंट मतलब जस्ट उसके साथ जो कांस्टेंट यूज हो रखा है वो है b, और a है कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c बाई ए इज इक्वल टू, c क्या होता है हमारा कांस्टेंट और a है हमारा कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप इन फॉर्मूलेज को भी याद रखेंगे। इसके ऊपर अगर एग्जांपल देखें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके जीरोस पता करने के लिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम हमेशा ब्रेक करते हैं प्राइम नंबर्स में, तो 2, 3 जा 6 होता है। अब यहां पर जो चेक करते हैं वो इनका या इनके किसी कॉम्बिनेशन का सम होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो साइन लगा हुआ है प्लस, अगर प्लस लगा हुआ है तो हम देखते हैं सम, और अगर माइनस लगा हुआ है तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन।
अब यहां पर प्लस लगा हुआ है, अब ये 2 प्लस 3 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इसे 5 को हम ब्रेक करेंगे 2x प्लस 3x में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन लो और यहां पे 3 कॉमन लो, तो ये हो गया x प्लस 2 प्लस, अब यहां पे 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x प्लस 2 दोनों तरफ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो टर्म है, अगर उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहां पे ले लें a इंटू बी, अगर 0 है या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, है ना। तो इसे एक बार इसे 0 पुट कर लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। तो यहां पर हमारे पास होंगी x की दो वैल्यू। और अगर हम यहां पे देखें, ये जो होती है x की मैक्सिमम पावर, इसको इसकी डिग्री भी कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितनी ये डिग्री होती है उतनी हमारे जीरोस की वैल्यू आती है। तो यहां पर x की पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं या फिर सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। अब ये हमारे पास 2 इसके जीरोस आ गए। जीरोस का मतलब अगर इनको हम इसमें पुट करें तो ये पॉलिनोमियल या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाएगी। जैसे देखें, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू माइनस 2 पुट करके देखते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसके सम ऑफ 0 करें, सम ऑफ जीरोस, माइनस 2 माइनस 3 ये कितना आया माइनस 5। और अगर हम अपने फॉर्मूला से देखें, माइनस बी बाई ए, माइनस बी है हमारे पास यहां पर 5, क्योंकि ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो माइनस 5 और ए है हमारा 1, तो माइनस 5 आ गया, वेरीफाई हो गया ना ये। और प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए, और यहां पर कितना है 3 टू जा 6, और यहां पे सी बाई ए के अकॉर्डिंग देखें तो सी हमारा ये है कॉन्स्टेंट 6, 6 बाई 1 इज इक्वल टू 6, तो ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं। अब ये कंसेप्ट मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इस पे अगर चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सम जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहां पर ले लेते हैं 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5, देन व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो हमारे सम है वो है प्लस 6 और प्रोडक्ट है प्लस 5, तो यहां पे प्लस 6 डालेंगे और यहां पर प्लस 5 डालेंगे तो ये बन जाएगा बी आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं और जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराए थे कि कैसे वो इतना फास्टली आंसर उसका मैंने बता दिया था आपको। तो उसके लिए हमें जो है एक टेबल याद करना है, ये टेबल है प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस।
तो अब ये टेबल क्या है, इस टेबल के बारे में समझें। तो ये जो है, जो भी हमारे पास अगर इक्वेशन है, अगर उसके बीच के दोनों साइन प्लस प्लस हैं, तो उसके जो जीरोस होंगे वो होंगे माइनस माइनस के। अगर वो माइनस प्लस है तो होंगे वो प्लस प्लस, अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, और अगर माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। इसे अच्छे से समझते हैं पहले, लेकिन ये क्वेश्चंस में कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं एक बार फिर से कि इस टेबल को अगर हम बनाएं, इसे हम पहले कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको पहले ये दो साइन बनाने हैं प्लस प्लस, फिर बनाने हैं माइनस प्लस, इसका उल्टा कर देंगे, ये माइनस प्लस है तो इसका प्लस माइनस, और यहाँ पे दो बार माइनस माइनस। अब इस माइनस माइनस को यहाँ पे ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस माइनस, इसके बाद इसे यहाँ ले जाओ प्लस प्लस, इसको यहाँ ले जाओ माइनस प्लस, और इसको यहाँ ले जाओ प्लस माइनस। तो ये आसानी से ऐसा हमारा टेबल बन जाएगा, और जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके खुद से लगा लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये टेबल जो है अपने आप याद हो जाता है, फिर ये बनाना नहीं होता हमको। अब इसे समझ लेते हैं इन साइंस को हम कैसे चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में दी थी, ये वही इक्वेशन है। अब अगर हम इसे देखें तो इसमें ये जो दोनों साइन है ये है प्लस प्लस, तो यहां पर जो इसके जीरोस होंगे वो होंगे माइनस माइनस की फॉर्म में, मतलब वो दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे जैसे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के साथ आता है माइनस माइनस, ये एक्स की वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, या फिर जीरोस भी कह सकते हैं। और यहां पर है माइनस प्लस, तो यहां पर होंगे प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे हम दूसरे में रो में देख रहे हैं माइनस प्लस में प्लस प्लस। तो यहाँ पे पहले एक माइनस है फिर प्लस है, तो यहां पर जो जीरो या वाई की वैल्यू होगी वो होगी प्लस प्लस की फॉर्म में। अब हम इसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे फोर को, क्योंकि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फोर अगर प्राइम फैक्टर में देखें तो ये टू टू जा फोर बनता है, और इसके आगे है प्लस का निशान। प्लस का निशान मतलब हमें करना है एडिशन, तो इन इसके फैक्टर्स का एडिशन होना चाहिए चार। तो दो और दो चार हो गया, हमेशा जो बड़ा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो छोटा है उसे नीचे लिखेंगे, यहां पर दोनों बराबर है तो इसे ऐसे लिख दिया हमने। अब इधर थ्री को देखेंगे, थ्री कैसे बनता है, थ्री इंटू थ्री, और अगर हम यहाँ पे है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन मतलब इसका सम देखेंगे, तो सम है यहाँ पे सिक्स, तो ठीक है ये यहाँ पर थ्री है और ये यहाँ पर थ्री है, तो ये इसके दो जीरो हो गए, ये इसके दो जीरो, मतलब ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अब इसमें हम चेक करते हैं रिलेशन हर वैल्यू का हर दूसरी वैल्यू के साथ, मतलब इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तब हम कोई एक डेफिनेट हमारा आंसर आएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि माइनस टू अगर थ्री के साथ, अब अगर इसमें हम पहले माइनस टू का रिलेशन देखें प्लस थ्री के साथ, तो ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है थ्री बड़ा है। अब इस माइनस टू का इसके साथ तब भी थ्री बड़ा, और इसका इसके साथ, तो हमेशा थ्री बड़ा है, तो इसका रिलेशन आएगा एक्स लेस देन वाई, या फिर वाई ग्रेटर देन एक्स। और इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों साइन जो है वो है नेगेटिव, और इसमें ये जो दोनों साइन है ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, तो इसमें इसका आंसर हमेशा जो होता है वाई ग्रेटर देन एक्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल टू, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, और वाई स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स इलेवन वाई प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें टेबल बना लेते हैं पहले साइड में, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो इसके जो जीरो होंगे वो होंगे माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस के उसमें होंगे प्लस प्लस। तो हम इसमें बिना देखे बता सकते हैं कि एक्स जो है लेस देन होगा वाई से, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर भी अगर चेक करें तो 12, 12 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो ये होगा 12 इंटू
टू इंटू सिक्स, और सिक्स को फिर से ब्रेक करें तो ये होगा टू इंटू थ्री। यहां पर हमें ऐसा पेयर बनाने हैं इसके फैक्टर के जो ये सेवन बन जाए। और इसमें याद रखिए हमेशा वन तो होता ही है क्योंकि वन सबका फैक्टर होता है। तो अब इसमें देखें टू टू जा फोर और थ्री, चार तिया बारह, तो चार तिया बारह होता है और चार तीन सात भी होता है। अब हमेशा हमें बड़ा वाले को ऊपर लिखना होता है और छोटे वाले को नीचे। इसमें देखें थर्टी, थर्टी को ब्रेक करें तो ये सिक्स फाइव जो थर्टी होता है, सिक्स को अगर फर्दर करें तो ये होता है टू इंटू थ्री। अब इसके ऐसे पेयर देखें, यहां पर प्लस है तो वो सम होना चाहिए इलेवन के बराबर। इस वाले साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस थर्टी के आगे हमें साइन देखना है कि हमें प्लस करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहां पर देखें तो तीन दूनी छह और छह पांच ग्यारह होता है, तो बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को नीचे। अब चार का छह के साथ रिलेशन देखें तो छह बड़ा है, चार के साथ पांच का देखें तो पांच बड़ा है क्योंकि, और ये वैसे भी नेगेटिव है पॉजिटिव है। और थ्री का देखें तो हमेशा जो है हमारा एक्स छोटा आएगा वाई से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम देखें इसमें दोनों साइन जो है ये माइनस माइनस है, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस। अब इसमें इसके फैक्टर देखते हैं, 15, 15 होता है थ्री इंटू फाइव, और 15 के आगे है माइनस का साइन, मतलब इनका डिफरेंस, ऐसे हमें पेयर देखने हैं जिनका डिफरेंस हो टू। तो ये फाइव और थ्री का डिफरेंस ये टू, तो बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे छोटे वाले को नीचे। और इधर 12 होता है टू इंटू टू इंटू थ्री, फोर थ्री जब 12, अब यहाँ पे 12 के साथ है माइनस, माइनस मतलब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस हो चार। अब हम देखें तीन दूनी छह, छह में से दो गए चार, तो ये छह होगा और ये होगा दो, बड़े वाले को ऊपर लिखना है छोटे वाले को नीचे। अब हम चेक करते हैं कौन किससे बड़ा है, जैसे फाइव है, फाइव अगर सिक्स के साथ देखें तो सिक्स बड़ा है, लेकिन फाइव अगर माइनस टू के साथ देखें तो फाइव बड़ा है, माइनस थ्री का अगर सिक्स के साथ देखें तो सिक्स बड़ा है, और अगर इसका माइनस टू के साथ देखें तो टू बड़ा है। लेकिन इसमें दोनों साइन आ रहे हैं, दोनों साइन का मतलब हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि या एक्स बड़ा है या फिर फाइव बड़ा है, तो इसका आंसर होगा नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, राइट, क्योंकि यहां पर ये दोनों साइन आ रहे हैं, इस वजह से कोई भी रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये होगा एग्जाम्पल फोर, एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो, और यह है वाई स्क्वायर प्लस थर्टीन वाई माइनस सिक्सटी एट इज इक्वल टू जीरो। आपके लिए मैं टेबल बना देता हूं, यहां पर प्लस प्लस होता है माइनस माइनस, माइनस प्लस होता है प्लस प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस माइनस। आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब इसमें हम देखें तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें ये देखते हैं प्लस माइनस में बनता है हमारा माइनस प्लस, और ये भी प्लस माइनस है तो ये भी होगा माइनस प्लस। अब 60 के फैक्टर बनाते हैं जिनका डिफरेंस चार है। हमें डायरेक्ट पता है कि 15 फोर जा होते हैं 60, और 15 में से चार जाएगा तो 11 बचेगा, तो 15 बड़ा तो इसे ऊपर लिखेंगे और चार नीचे। अगर यहां पे हमारा डिजायर वैल्यू नहीं आ रही है तो हम इस 15 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5 में, फिर भी नहीं आती है तो फिर इसे 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, और या फिर 4 इंटू 1 में, ठीक। अभी हमारी वैल्यू ये 15 और 4 पे आ गई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 68, तो 68 अगर हम देखें ये होगा 4 इंटू 17, और यहां पे 68 के साथ है नेगेटिव माइनस का साइन, मतलब डिफरेंस इनका 13 होना चाहिए, तो 17 में से 4 गए 13 ही आया, तो बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को नीचे। अब इसमें रिलेशनशिप चेक करेंगे, माइनस 15 और माइनस 17 में अगर चेक करें तो माइनस में ये अगर नंबर लाइन है, यहां पर 0 है, यहां पर माइनस 1 है, यहां पर माइनस 2 है, माइनस 3 है, तो नंबर लाइन में जो होता है जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये माइनस 15 बड़ा होगा। अगर
माइनस 15 और 4 में देखें तो 4 पॉजिटिव का है तो ये 4 बड़ा होगा। अब इसमें देखें माइनस 17 और 4 तो ये जो है इसमें 4 बड़ा है, अगेन ये साइन। और यहां पर 4 और 4 के बीच में दोनों इज इक्वल टू है तो यहां पर ये तीनों साइन आ रहे हैं। हम इसलिए डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये ग्रेटर है, लेस देन है या इज इक्वल टू है। तो इसमें भी आंसर होगा हमारा नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि यहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट साइन आ रहे हैं, राइट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो क्वेश्चन था इसमें भी हमारा आंसर था नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, और इसमें भी हमारा आंसर था नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। उसमें जो फॉर्म आ रही थी वो थी प्लस माइनस, और इसमें जो फॉर्म है ये है माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें ये देखिए, एक बार ये प्लस है एक बार ये माइनस है, क्योंकि अगर इस चीज से देखें ये भले ही कितना ही छोटा है या कितना बड़ा है, इन दोनों में तो हम रिलेशन नहीं बता सकते, लेकिन इसमें हम रिलेशन बता सकते हैं कि हमेशा जो है प्लस वाला बड़ा है। ऐसे ही अगर इस माइनस को लें तो ये जो माइनस है अगर प्लस के बीच में देखें तो ये हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि इसमें क्या रिलेशन होगा। तो एक बार ये ग्रेटर का साइन आ रहा है, एक बार लेस देन का साइन आ रहा है, दो साइन अपोजिट फेस के आ रहे हैं। आपको मैंने इनइक्वालिटी में बताया था अगर दो साइन अपोजिट फेस के आ जाए तो वो इंडिपेंडेंसी बन जाती है। इंडिपेंडेंसी मतलब वहां पर ग्रेटर इक्वल टू लेस देन, ये तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये भी इनइक्वालिटी की तरह ही है, आप ऐसे ही कंसेप्ट अगर रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा और अच्छे से याद रहेगा। तो यहां पर ये दोनों साइन आ रहे हैं तो इसलिए हमने ये कहा था नो रिलेशन। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो एक बार ये नेगेटिव में एक बार ये पॉजिटिव में, तो इसमें हमेशा ये वाला बड़ा होगा, एक बार ये पॉजिटिव है एक बार ये नेगेटिव है, इसमें हमेशा ये वाला बड़ा होगा। तो यहां पर भी दो साइन अलग अलग आ रहे हैं तो ये भी नो रिलेशन। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि अगर जब भी ऐसे साइन आए तो वो हमेशा नो रिलेशन बनाता है। अगर हम अपने टेबल पे नजर डालें तो टेबल हमारा ऐसा था, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस प्लस इधर आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस प्लस इधर आ जाएगा, और इसका उल्ट, और इसे आप माइनस माइनस लिख देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो ऐसी फॉर्म जिसमें एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, ऐसे कब बन रही है? तो यहां पर देखिए, एक बार ये माइनस आ रहा है एक बार ये प्लस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है। तो इस केस में ये फॉर्म बन रही है कि एक प्लस है एक माइनस है एक माइनस है एक माइनस प्लस है। अब अगर आप इसके जो क्वेश्चंस में जो साइन है उसकी तरफ नजर डालें तो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये माइनस है ये प्लस है। अगर यहां पर दोनों माइनस माइनस हो तब ये प्लस माइनस बनेगा, और अगर यहां पर दोनों प्लस माइनस हो तो ये बनेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इन फॉर्म में भी ये केस बनेगा जहां पर हमारा नो रिलेशन आएगा। अब अगर आप इन तीनों को ऑब्जर्व करें तो इसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि जब भी ये दोनों साइन, मतलब बाद वाले साइन अगर माइनस में है, तो इसका मतलब अगर कोई हम इक्वेशन ले लें ए एक्स स्क्वायर, यहां पर कोई भी साइन है प्लस है या माइनस है, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर पी वाई स्क्वायर प्लस माइनस क्यू वाई माइनस यहां पे आर ले लीजिए इज इक्वल टू जीरो, एक यहां पर इक्वेशन ये है एक यहां पर इक्वेशन ये है। अब अगर इसमें सी और आर इन दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है अगर उनके साथ नेगेटिव का साइन है तो हमेशा जो हमारा आंसर होगा वो बनेगा नो रिलेशन डायरेक्ट। इसमें हमें कुछ चेक नहीं करना है, इसमें अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और अगर वो जो इनकी कांस्टेंट टर्म है अगर उनके साथ जो साइन है वो दोनों ही नेगेटिव है तो वो डायरेक्ट आंसर होगा हमारा नो रिलेशन, चाहे वो कैसी भी इक्वेशन है, कितनी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, उसका आंसर हम डायरेक्ट देख के लगा सकते हैं नो रिलेशन। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसमें ये जो मैंने नो रिलेशन बताया इसमें आप चेक कर रहे हैं कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, और यहां पर देखें ये भी 56 के साथ माइनस है ये भी 27 के साथ माइनस है, तो इसलिए दोनों
नो रिलेशन कहते हैं। ऐसे ही फिर से हम टेबल बना के देखें, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस माइनस। अब एक अपने यहां पर देखा था ये केस, इसमें दोनों ये नेगेटिव थे और ये दोनों पॉजिटिव थे, तो इसमें आया था कि डायरेक्ट y बड़ा है। और एक ये केस, इसमें ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर ऐसी हमारे पास इक्वेशन आती है जिसमें एक तरफ से दोनों पॉजिटिव हो जाएं और दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो या फिर ये वाला दोनों नेगेटिव हो जाए या ये वाला दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर होगा x बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा और इस केस में हमेशा x छोटा होगा y से। तो ये कब बनेगी, इसमें देखिए माइनस की टर्म हमेशा बनेगी जब दोनों साइन होंगे हमारे पॉजिटिव हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और प्लस प्लस बनेगा हमारा जब दोनों ही हमारे साइन होंगे माइनस और पॉजिटिव की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब अगर हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखें, अगर कोई ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है पी वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो है जो वेरिएबल माइनस प्लस वाली इक्वेशन के साथ है वो हमेशा बड़ा होगा जो वेरिएबल प्लस प्लस इक्वेशन वाली के साथ है। जैसे इसमें x वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों साइन प्लस प्लस हैं और y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस प्लस है, तो ये हमेशा y जो है इसमें बड़ा होगा x से। ठीक है, मतलब जिसके साथ माइनस प्लस है वो वेरिएबल बड़ा होगा प्लस प्लस वाले के साथ। तो इसमें ये हमेशा इस फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखनी चाहिए, एक में दोनों प्लस होनी चाहिए और एक में एक माइनस और एक प्लस। अब इसमें हम अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखें, तो इसमें आपने देखा होगा ये पहली इक्वेशन में ये प्लस है, ये भी प्लस प्लस है, और इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए इसमें जो है वाई हमेशा बड़ा होगा एक्स से, चाहे उसकी जीरोस की वैल्यू कुछ भी हो। इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस प्लस है, ये है वाई। इसमें जो प्लस प्लस साइन है ये है y वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और माइनस प्लस है ये x के साथ, इसलिए इसमें जो है x बड़ा होगा y से। और इसमें ये है x जो है इसके साथ प्लस प्लस है और y के साथ माइनस प्लस है, इसलिए इसमें y बड़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखते ही मार्क कर सकते हैं, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, विद इन सेकेंड, आप एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा आपको ये मार्क करने में। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, खासकर क्लर्क लेवल के प्री एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और पीओ में भी, लेकिन हमें वहां पे जल्दी होती है सॉल्व करने की, तो हम ये साइन ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसा मिल सकता है, और एक दो क्वेश्चन ही आपको 5 से 10 सेकंड बचा सकता है, और वो एग्जाम में 5 से 10 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जिसमें हमारा जो एक्स की वैल्यू है अगर उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट जुड़ा हुआ हो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, और रूट वाले क्वेश्चंस, देन क्यूबिक करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे हम। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये नया चैनल है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगर इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।